हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम करिश्मा पटेल फ्रॉम अश्वमी विद्यालय। डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3। ओके, सो इन दिस चैप्टर अ पोएम रिलेटेड टू वाटर वाज आल्सो टॉट। वाटर के रिलेटेड हमने एक पोएम सीखा था। ओके, सो आई गेव यू होमवर्क ऑफ 21 पेज नंबर। ओके, सो एवरीवन कंप्लीटेड इट? सभी ने कंप्लीट किया है ना? आई होप एवरीवन हैज कंप्लीटेड। ओके, सभी ने कंप्लीट किया ही होगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न समथिंग न्यू। ओके, सो नेक्स्ट पेज, so open your textbook and page number 22. So now next topic, water from where? Water कहाँ से आता है? So in the poem you read about rivers, waterfalls, lakes and springs. Poem में हमने क्या read किया? Rivers के बारे में, waterfalls, lakes and springs के बारे में read किया. So we get water from all these places. सो इस सभी प्लेसेस से हमें वाटर मिलता है। सो फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर? आपको वाटर कहाँ से मिलता है? पुट अ सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस डेट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट। सो यहाँ पे कुछ नेम दिए गए हैं, तो उस नेम पर आपके हाउस में जहाँ से वाटर आता हो तो उस नेम पर आपको सर्कल करना है। आपके हाउस में आपके अराउंड से जहाँ से वाटर आता है तो आपको वहाँ पे सर्कल करना है। सो मोस्ट ऑफ हमारे यहाँ वाटर कहाँ से आता है? वेल से आता है, टैप से, टैंक से, हैंडपम्प से। ओके, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का आंसर यही होगा। ओके, सो आपको इस तरह से सर्कल करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, थिंक एंड राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर गिवन ए क्वेश्चन आंसर एंड फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर? ये स्टूडेंट्स, क्या आपने ग्राउंड से हॉट वाटर आते हुए देखा है? तो कहाँ पे देखा है? सो डियर स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन आपको अपने आप लिखना है। ओके, सो डू इट योर सेल्फ। ओके, अगर आपने देखा है तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज एनी रिवर फ्लोस अक्रॉस योर विलेज और सिटी? इफ यस, राइट इट्स नेम। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके विलेज या सिटी में से कोई भी रिवर पास होती है, अगर होती है तो आपको उसका नेम लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यस, अ रिवर फ्लोस अक्रॉस माय सिटी वलसाड एंड इट्स नेम इज पार रिवर। हमारे वलसाड सिटी में से कौन सी रिवर पार होती है, पास होती है? पार रिवर अक्रॉस होती है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स। क्या आप दूसरी रिवर्स के बारे में जानते हो? तो आप उसको नेम लिखना है आपको। सो यस, आई नो नेम्स ऑफ अदर रिवर्स, नर्मदा, तापी, बनास, सरस्वती, रूपेन, भद्रक, मैसूर एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे रिवर्स है जिनके नेम्स हम जानते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, थिंक एंड टेल। सो फर्स्ट, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? सो डियर स्टूडेंट्स, आपके हाउस में आप वाटर ड्रिंकिंग के लिए आप वाटर कहाँ से लाते हो? So dear students, most of the gram panchayat of our village has built a water tank. Most of students ke village mein gram panchayat hoga, to gram panchayat ki taraf se sabhi ke liye kya build kiya jata hai? Ek water tank build kiya jata hai. So this tank has been connected to each house through pipes and taps. At home, we get water from these taps.
सो उस टैंक से पाइप्स कनेक्टेड करके हमारे हाउस तक, हमारे हाउस में टैप तक वाटर आता है। सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का आंसर यही होगा। ओके नाउ नेक्स्ट, वेयर डू यू गो टू फैच वाटर? आपको वाटर लाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? सो वी डू नॉट नीड टू गो एनी वेयर टू फैच वाटर। वाटर लाने के लिए हमें कहीं नहीं जाना पड़ता, हमारे घर पे ही आता है। ओके सो नाउ नेक्स्ट, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? सो डियर स्टूडेंट्स, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग वाटर? वाटर लाने के लिए कितना टाइम लगता है? सो वी गेट वाटर रेगुलरली फॉर हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग फ्रॉम द टैंक बिल्ट बाय द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की तरफ से जो टैंक बिल्ट किया गया है, तो उनमें से वाटर कब आता है? मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में हाफ आवर तक ही आता है। सो वी डू नॉट टेक एनी टाइम टू गेट वाटर, वी नीड एवरी डे। ओके सो नाउ नेक्स्ट, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें वाटर को क्यों स्टोर करना पड़ता है? सो डियर स्टूडेंट्स, वी नीड टू स्टोर वाटर बिकॉज वाटर इज अवेलेबल ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, एंड वी नीड वाटर थ्रू आउट द डे फॉर वेरियस स्मॉल एंड बिग डेली चोर दैट वी डू। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, वाटर को हमें किस लिए स्टोर करना पड़ता है? ये जो वाटर है, हमें दिन में मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में थोड़े टाइम के लिए ही मिलता है, बहुत ही कम टाइम के लिए मिलता है। सो हमारे पूरे दिन भर में बहुत कुछ ऐसे हमारे वर्क होते हैं जिनमें हम वाटर का यूज़ कर देते हैं, इसलिए हमें वाटर का स्टोर करना चाहिए। ओके नाउ नेक्स्ट, हु फैचिस एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस? आपके हाउस में वाटर कौन लाता है और उसे स्टोर कहाँ कर किया जाता है? सो इन माई हाउस वाटर इज फेच्ड बाय माई मदर एंड माई सिस्टर एंड स्टोर्ड इन एन अर्थन पॉट, इन बकेट्स, इन ओवर हेड टैंक्स एंड इन ट्यूब्स। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के हाउस में वाटर कौन लाता है? स्टूडेंट्स की मदर या तो उसकी सिस्टर ही लाती है। एंड वाटर किस में स्टोर करते हैं? अर्थन पॉट में एंड बकेट्स एंड ओवर हेड टैंक्स या फिर ट्यूब में। ओके सो इस तरह से वाटर को स्टोर किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एंड योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस? व्हाई? सो डियर स्टूडेंट्स, आप जहाँ से वाटर लाते हो, तो वहाँ से आपके नेबर्स भी लाते हैं या फिर आपके वाटर लाने का प्लेस डिफरेंट है या आपके नेबर का वाटर लाने का प्लेस भी डिफरेंट है? सो अगर डिफरेंट है तो ऐसा क्यों है? सो नो द प्लेस फ्रॉम वेयर वी एंड अवर नेबर गेट वाटर इज नॉट डिफरेंट, दोनों का सेम ही है। बिकॉज जो हमारे विलेज में ग्राम पंचायत की तरफ से जो वाटर टैंक बिल्ड किया जाता है, वह विलेज के सभी लोगों के लिए होता है, इसलिए हमारे नेबर्स का एंड हमारा वाटर लाने का जो प्लेस है वह सेम ही है। ओके ओके सो नाउ ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23, फिल द कलर्स, कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके हाउस में वाटर स्टोरिंग के लिए कौन सा कंटेनर्स यूज किया जाता है? जो भी कंटेनर्स आप यूज करते हो, तो उसमें आपको कलर फिलअप करना है। ओके
जो भी इनमें से जो भी कंटेनर्स आप यूज करते हो आपके हाउस में, तो उसमें आपको कलर करना है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी अदर कंटेनर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस एंड राइट देयर नेम्स एज वेल। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में अदर कंटेनर्स के पिक्चर ड्रॉ करने हैं जो आपके हाउस में यूज करते हो उसका, एंड उसके नेम आपको लिखने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, टेक अ लुक एट द पिक्चर्स इफ वी फिल देम विथ वाटर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पिक्चर्स देखना है और जो वाटर हम किस में फिलअप करते हैं, कैसे करते हैं, उसको आपको लिखना है। सो फर्स्ट, विच विल कंटेन द लेस्ट वाटर, सबसे कम वाटर किस में फिलअप होता है। सो आंसर इज द स्मॉल मेटल पॉट, जो स्मॉल मेटल पॉट होता है तो उसमें सबसे कम वाटर फिलअप होता है। नेक्स्ट, विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, उससे ज्यादा वाटर किस में स्टोर होता है। सो द आंसर इज द बकेट, बकेट में उससे ज्यादा वाटर स्टोर होता है। एंड थर्ड, इन विच कंटेनर सेम अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड, सेम अमाउंट में वाटर स्टोर हो ऐसा कंटेनर कौन सा है। सो द अर्थन पॉट एंड द बिग मेटल पॉट, जो अर्थन पॉट होता है एंड बिग मेटल पॉट होता है तो उसमें सेम वाटर ही स्टोर होता है। ओके ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टॉप हियर एंड वी विल लर्न मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।